कन्हैया कुमार से भी ज्यादा खतरनाक है शर्जील इमाम। नमस्कार, स्वागत है आपका एनएस न्यूज एक्सक्लूसिव में, मैं हूं रंजीता पठारे। गृह मंत्री अमित शाह सेंट्रल जोनल काउंसिल की बैठक में शामिल होने के लिए मंगलवार को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में थे। इस बैठक में सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर समेत कई मुद्दों पर राज्य और केंद्र के बीच विचारों का आदान प्रदान भी हुआ। गृह मंत्री ने यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कार्यकर्ता सम्मेलन में संबोधन के दौरान शाह ने पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की योजनाओं की जमकर तारीफ की, वहीं विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। साथ ही CAA NRC के मुद्दों पर विपक्ष पर निशाना साधा और कई लोगों पर उन्होंने सीधे कमेंट भी किया। शाह ने राजद्रोह के आरोप में बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार JNU के छात्र नेता शर्जील इमाम का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, शर्जील का बयान देखिए, वीडियो देखिए, देख रहे हैं ना, कन्हैया कुमार से भी ज्यादा खतरनाक बोल रहे हैं शर्जील। चिकन नेक को काट दो, असम भारत से कट जाएगा, अरे सात पुश्ते लग जाएगी भैया, असम ऐसे नहीं कटेगा। ये कह रहा है हमारे गृह मंत्री अमित शाह का। उन्होंने आगे कहा कि आज दिल्ली पुलिस ने उन्हें धर लिया है, यानी गिरफ्तार कर लिया है। आज उन्हें जेल की हवा खाने के लिए दिल्ली लाया गया। अमित शाह ने आगे कहा कि नागरिकता संशोधन एक्ट के जरिए लाखों करोड़ों पीड़ित लोगों को नागरिकता देकर उनको सम्मान बरकरार रखा है। उन्होंने कांग्रेस पर इस मुद्दे को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने JNU में हुई नारेबाजी का जिक्र करते हुए कार्यकर्ताओं से पूछा कि क्या ऐसा करने वालों को जेल भेजना चाहिए या नहीं। अमित शाह ने भारत के टुकड़े करने की बात कहने वालों को जेल में डालने का भी जिक्र किया। उन्होंने आगे कहा कि मोदी जी ने निर्णय लिया है कि इस कन्हैया एंड कंपनी को जेल में डाल दो। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि 1.5 साल बीतने के बावजूद केजरीवाल सरकार ने कन्हैया और दूसरे आरोपियों के खिलाफ मामला चलाने की इजाजत नहीं दी है। भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने आगे कहा कि जब बीजेपी को आम चुनाव में 2 सीटें मिली थी, तब राजीव गांधी ने बीजेपी का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि हम दो हमारे दो। शाह के मुताबिक उस वक्त कांग्रेस के 400 सांसदों ने उनकी हंसी उड़ाई थी और आज कांग्रेस की हालत ऐसी ही हो गई है कि उनके पास विपक्ष में बैठने लायक भी सांसद नहीं बचे हैं। दूसरे विपक्षी दलों पर भी निशाना साधते हुए शाह ने कहा कि आज देश के कई राजनीतिक दल परिवार की पार्टियां बनकर ही रह गई है, जिनकी कोई भी विचारधारा नहीं है। तो ये तो था शाह का बयान। बाकी देश में अभी भी NRC और CAA के मुद्दे को लेकर हमला हो रहा है एक दूसरे पर और लोग अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं अगर हम दिल्ली चुनाव की बात करें तो दिल्ली चुनाव से जुड़ी हुई सारी पार्टियां, यानी कि जितने भी पार्टी दिल्ली चुनाव में कदम रख चुकी है, उन लोगों के पास ये अहम मुद्दा बन गया है। भाजपा के पास मुद्दा है कि जो विपक्ष उन पर आरोप लगा रहे हैं उन्हें उठा रही है, और विपक्षों के पास CAA, शाहीन बाग जैसे कई मुद्दे अभी भी मौजूद है। आज के लिए इतना ही था। ऐसे वीडियोस की जानकारी के लिए बने रहिए एनएस न्यूज एक्सक्लूसिव के साथ। थैंक यू।